बिहार में 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। किशनगंज विधानसभा सीट पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रत्याशी की जीत को उन्होंने वंदे मातरम से नफरत करने वालों की जीत बताया है। उधर गिरिराज के बयान पर NDA में ही विरोध देखने को मिल रहा है। NDA के घटक दल LJP के नेता चिराग पासवान ने उनके बयान पर ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट में उपचुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि बिहार के उपचुनाव में सबसे खतरनाक परिणाम किशनगंज से आया है। उन्होंने कहा, ओवैसी की पार्टी जिन्ना की सोच वाली है, वे लोग वंदे मातरम से नफरत करते हैं, इससे बिहार की सामाजिक समरसता को खतरा है। अंत में उन्होंने लिखा है कि इस बारे में बिहार वासियों को सोचना चाहिए।